आज मैं बनाने जा रही हूँ राज कचौड़ी। इसे कचौड़ियों का राजा भी कहा जाता है। इसमें खस्ता पूरी बनाई जाती है और उसके अंदर ऐसे डेकोरेशन किया जाता है। पूरी को ज़्यादा समय तक खस्ता रखने के सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप एकदम स्ट्रेट स्टाइल की राज कचौड़ी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आज के मज़ेदार राज कचौड़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। राज कचौड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 कप मैदा ले लेंगे। आप इसमें आटा और मैदा मिला के यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत खस्ता बनता है। फिर हम इसमें 1/2 कप बारीक वाली सूजी डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक डाल दें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिला देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली इसमें मैदा यूज़ होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसमें थोड़ा सा आटा मिला देंगे तो ये नॉर्मल से ज़्यादा खस्ता बनता है। अब हम इसमें यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। ध्यान रहे कि आपको इसमें घी यूज़ करना है, घी से ये क्रिस्पी बनेगा। अगर आप तेल यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद पहले इसे अच्छे से मिला दें। शायद आपको याद होगा कि जब हम कुकीज़ बनाते हैं या फिर शक्करपारा बनाते हैं तो उसमें तेल की जगह घी का इस्तेमाल करने से वो नॉर्मल से ज़्यादा खस्ता बनती है, यानी क्रिस्पी बनती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें घी का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर इसे ऐसे मिला दें। डो हमें कड़ा गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है। तो जैसे ही डो अच्छे से बन जाएगा हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो को मैंने कड़ा ही रखा है, ये देखिए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे ये मीडियम साइज़ की जैसे टेनिस बॉल होती है ना, उससे थोड़ी सी छोटी लोई बना लें। जब आप डो को कड़ा रखेंगे तो लोई में ऐसे दरारें आएंगी, तो आप इसे ऐसे स्मूथ कर लें, उसके बाद ही ऐसे रखें। तो सेम प्रोसेस से सारी लोइयों को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे डो बॉल्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इन्हें रोल करने के प्रोसेस में। तो रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे सूखा मैदा रखा है और इसे ऐसे डस्ट करके, और इसके बाद जैसे पूरी रोल करते हैं, मतलब पूरी बना रहे हैं कचौड़ी टाइप, तो इसे ऐसे रोल कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए मीडियम साइज़ की मैंने ये इसे रोल कर लिया है। सेम प्रोसेस से बाकी की कचौड़ी या पूरी को रोल कर लेंगे। तो नॉर्मली कचौड़ी किसे बोलते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टफ़ करते हैं। यहाँ पे हम पूरी बना रहे हैं और पूरी बनाने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये पूरी है, बाद में हम इसे कचौड़ी का रूप देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पूरियाँ बेल ली है। सेम प्रोसेस से बाकी की पूरियों को रोल कर लेंगे। ध्यान रहे कि पूरियों का जो साइज़ है वो मीडियम ही रखें। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो स्टफिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं होगी, और अगर आपने इसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा रोल किया तो फ्राई करते वक्त ये फट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई में तेल गरम किया है मैंने। थोड़ा सा डो बॉल डाल के ऐसे चेक कर ले कि तेल कितना गर्म है। ध्यान रहे कि इन पूरियों को तलते वक्त गैस का फ्लेम हाई चाहिए और तेल बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, तभी अच्छे से फूलेंगी। तो यहाँ पर तेल गर्म है, इसमें मैंने ये पूरी डाल दी। हल्का सा प्रेस करें। जैसे ही आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ना, ये ऐसे फूल जाएंगी। जैसे ये फूल जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दे और इसके बाद थोड़ा सा इसे ब्राउन होने दे। इससे क्या होगा, ये ऊपर से कुरकुरी हो जाएगी। ये देखिए ऐसा इसे कर लेना है। इन्हें फ्राई करते वक्त गर्म तेल आपको लगातार ऊपर डालना है, तभी अच्छे से क्रिस्पी होंगे। और इसे निकालने के बाद पेपर पे नहीं निकालना है, ऐसे स्ट्रेनर पे निकालें ताकि ये लंबे समय तक खस्ता रहे। तो सेम प्रोसेस से बाकी की पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने पूरी डाला है, इसे हल्का सा प्रेस किया, गर्म तेल इसके ऊपर ऐसे डालना है और इसके बाद पलट के ऐसे दोनों साइड से क्रिस्पी कर लेना है। और ये पूरी को निकालने के बाद आपको इसे स्ट्रेनर पे रखना है और तुरंत इसकी स्टफिंग करनी है। अगर आप इसे ज़्यादा समय के लिए रखेंगे तो ये वापस सॉफ्ट होने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे ये 2 खस्ता पूरी बना लिया है। तो बस राज कचौरी में ये कचौरी ही मेन बनाते हैं, इसके बाद जो स्टफिंग है वो तो अलग से करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने सारी चीज़ें असेंबल करके रखी है। तो यहाँ पे ये जो पहली वाली पूरी हमने बनाई, ये देखिए, इसे हम सेंटर से ऐसे तोड़ देंगे। और यहाँ पर ये दूसरी पूरी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो इसे मैं स्पून से तोड़ती हूँ ताकि अच्छे से शेप में आए। तो हो गया ना, ये सेंटर वाला पार्ट खाली। आप चाहिए तो ये अंदर का निकाल ले, वैसे ज़रूरत नहीं है, खाना ही हमें। तब हम चलते हैं स्टफिंग के प्रोसेस में। तो ये पहले वाली कचौरी मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो स्टफिंग अच्छे से होगा। अब हम इसमें उबले हुए कटे आलू डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें उबले हुए ये चना और मूँग डाल देंगे। हरा मूँग है और यहाँ पर ये छोले वाले चने हैं। दोनों को रात भर पानी में भिगो के और 6 से 7 सीटी लगा दें, उसके बाद इसमें डालें। थोड़ा सा दही डाल दें। दही में मैंने पाउडर चीनी मिला के रखा है। हरी चटनी डाल देंगे।
तो यहाँ पे धनिया पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च की ये चटनी बनाई है मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे इमली का पेस्ट डाल देंगे। तो इमली के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज इसमें ऑप्शनल है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दें, चाट मसाला डाल दें, नमक डाल देंगे ज़रा सा, बारीक वाली सेव भुजिया डाल देंगे। इसके बाद हम सेम चीज़ को वापस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे ये उबला हुआ चना और मूंग डाल देंगे, फिर इसके ऊपर दही डाल दें। स्टफिंग इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है वो डालें, जो नहीं पसंद है ना डालें। प्याज इसमें ऑप्शनल है, तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसके बिना इसे बनाएं। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा केचप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब इमली का खट्टापन और केचप का थोड़ा सा मीठा, हरी चटनी का तीखापन, तो बहुत सारे फ्लेवर इसमें आएंगे। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये वापस थोड़े से आलू डाल देती हूँ, चने डाल दें और इसके बाद ये भुजिया डाल देती हूँ मैं। तो ये हमारा राज कचौरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा तीखापन के लिए हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी दही वापस ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस इसकी खूबसूरती को बढ़ाना है लास्ट में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाल वाली चटनी डाल दें और लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये अनार के दाने डाल देंगे। इससे ये दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी राज कचौरी जो है वो बनके तैयार है, ये आप देख सकते हैं। आपने देखा कि हमने इसमें इतनी सारी गार्निशिंग की है, उसके बाद भी हमारी जो कचौरी है वो एकदम स्टिफ है। तो सजावट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट करनी है ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और जब कोई चीज़ दिखने में अच्छी लगती है, आंखों को अच्छी लगती है, तो खाने में भी मज़ा आता है। और यहाँ पे ये जो दूसरी पूड़ी थी, इसे मैं ऐसे क्रश करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है, अगर आप पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरी ऐसी खस्ता बनेगी। तो आप इस राज कचौरी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें स्टफ़ की है, फिर भी मैं आपको इसकी साइड की जो लेयर है ना, वो ऐसे क्रश करके दिखाती हूँ कि ये क्रिस्पी है कि नहीं। तो जैसा कि हमने इसमें आलू डाला है, दही डाला है, चटनी डाला है, उसके बावजूद भी ये देखिए परफेक्ट क्रिस्पी है। ये देखिए एकदम आराम से टूट रही है। तो आप इस राज कचौरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये राज कचौरी आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी मेथड है। आलू चने वगैरह पहले से उबाल के रखें, चटनी बना के रखें, बस ये पूरी तले और उसके बाद सजावट अपने हिसाब से करके आप इस राज कचौरी को खा के अपना दिल खुश कर सकते हैं, अपने मेहमान को खुश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।